आपको ऑयली स्किन से छुटकारा चाहिए तो भैया ये पांच घरेलू उपाय कर लो। देख रहे हैं आप जीवन आयुर्वेदा, नाम है मेरा मेघा वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। ये वीडियो आखिर तक देखना और इनमें से कोई भी उपाय करके देखना, आपको फायदा होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे इनका कोई नुकसान नहीं है, अगर आपको फिर भी कोई रैशेज या नुकसान हो जाता है तब भी हमें जरूर बताएं। दोस्तों ऑयली स्किन ना एक आम प्रॉब्लम बनती जा रही है और जब स्किन ऑयली होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन पे और ज्यादा हो जाती है। कई बार हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा हमें परेशान करती है, तो आज आपको घरेलू तरीके बता देते हैं। आप अपने चेहरे को हर रोज सुबह और शाम बिना साबुन वाले क्लींजर से धोएं। बार बार साबुन का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर स्किन अपना ऑयल खो देगी, जो उसका नेचुरल ऑयल होता है, रूखी हो जाएगी। बार बार अपने फेस को स्क्रब भी ना करें, अपने हाथ और चेहरे को अच्छे से धोएं। सोने से पहले अगर आप मेकअप करते हैं तो अपना मेकअप हटा दें, अच्छे से उसे साफ कर लें, और स्क्रब करने की बजाय आप चेहरे को धोने के बाद किसी साफ कपड़े से थपथपा कर सुखाएं। फेस को रगड़ के नहीं पहुंचना है, बस ऐसे टैप करना है उसे। अगर आप शराब पीते हैं तो भैया उसका सेवन ना बहुत कम कर दें, क्योंकि ये आपकी रक्त वाहिकाओं और तेल ग्रंथियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे आपके रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। इसी वजह से ऑयली स्किन वाले लोगों को शराब नुकसान पहुंचा देती है। स्मोक करते हैं तो ये भी बंद कर दें, ये तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो तब भी आप अपने फेस को ना मॉइस्चराइज करके रखें। एक ना आम धारणा बन गई है कि जिनकी ऑयली स्किन होती है अगर वो अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैपी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी ऑयली स्किन है तब भी आप कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आप रात में करें। आप चाहें तो इसके लिए एलोवेरा जेल लें और रात को सोने से पहले अपने पूरे फेस पर, गर्दन पर टैप करके लगाते जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करता है खाना, आप खा क्या रहे हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा तला हुआ, डीप फ्राई, बहुत ज़्यादा मसाले वाला, मिर्च वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं। ताज़ी सब्जियाँ खाएं, फल खाएं, मिठाइयाँ खाएं और अनाज शामिल करें। चाय और कॉफ़ी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। तनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किन के टेक्सचर में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भैया ये भी करना बंद कर दें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी स्किन पे फर्क पड़ता है, वो धीरे धीरे अपना ऑयल छोड़ने लग जाती है। योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ऑयली स्किन से आपके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और फिर ज़्यादा मुहासे निकलते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने अभी आपको बताए हैं तो आपकी ऑयली स्किन की मेंटेनेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।